हेलो, एम ऑडिबल टू एवरीवन? हेलो, एम ऑडिबल? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, डेफिनेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री एंड ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री आफ्टर क्लियरिंग ऑल द रेडिकल्स ऑफ डेरिवेटिव। कब? जब उनके जितने भी डेरिवेटिव है उसमें कोई भी रेडिकल्स या फ्रैक्शन के पार्ट नहीं होने चाहिए, या फिर निगेटिव पावर भी नहीं होना चाहिए। तब उसके बाद जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होगा उसको बोलते हैं डिग्री, और उसमें कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग ने क्या देखा था, डिग्री ऑर्डर हो गया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं, वो हम लोग ने डिस्कस किया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसके अंदर जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव है सबका डिग्री क्या होना चाहिए, 1, और उसके अंदर डिपेंडेंट या उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट आपस में नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग ने देखा था सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्यूशन भी 3 टाइप के होते हैं, लास्ट में यही बता रहा था तभी लेक्चर एंड हो गया था, कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में एक तो अपने पास होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन और एक होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा अपने पास, y ऑफ x इज इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x। तो जिसको पता होगा ये एक सॉल्यूशन है। तो ये जो सॉल्यूशन है अपने पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, हम लोग ने क्या किया, इसको इंटीग्रेट करके या इसको सॉल्व करके हम लोग ये लेके आते हैं, तो ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है। तो यहाँ पे दो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है। अब अगर मैं मान लो कोई भी इनिशियल कंडीशन यूज करके ये कॉन्स्टेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाली, सपोज c1 की वैल्यू 1 आ गई, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग ने आर्बिटरी कांस्टेंट को एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके हम लोग ने क्या निकाला, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब एक होता है सिंगुलर सॉल्यूशन, ये सिंगुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं होता, बट डिफरेंस क्या है कि इस सॉल्यूशन को हम लोग डायरेक्टली यहां से नहीं लेके आ सकते, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा फंक्शन ले लूं जिसका डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, -1, तो यहां पे जब -1 पुट करूंगा तो 0 हो गया, बट इसका मतलब वो नहीं है कि उस सॉल्यूशन को हम लोग इसको इंटीग्रेट करके या इसको सॉल्व करके वो लेके आ सकते हैं, क्लियर है। तो ये 3 टाइप के अपने पास सॉल्यूशन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर का फर्स्ट डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट या फिर 1 डिग्री का सॉल्यूशन, मतलब अगर फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसकी डिग्री भी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो उसके सॉल्यूशन का सबसे पहला मेथड हम लोग ने देखा था सेपरेबल मेथड। उसके बाद हम लोग कौन सा मेथड देखे थे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस कब होगा, जब dy बाय dx कुछ इस फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, mxy अपॉन nxy, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए, और दोनों का डिग्री भी क्या होना चाहिए, होमोजीनियस का वो सेम होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या पुट करते हैं, वाई इज इक्वल टू वी एक्स, ताकि वो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद एक होता है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म के होते हैं, कि dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स प्लस
वाई, यहाँ पे कुछ नंबर्स होंगे जैसे मान लेते सी, ऐसे यहाँ पे एक्स वन वाई वन सी वन, एक्स टू प्लस वाई टू प्लस सी टू। तो इस केस में हम लोग क्या पुट करते हैं कि एक्स को कुछ कैपिटल एक्स प्लस एच और वाई को कुछ कैपिटल वाई प्लस के। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे पुट करूंगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे ये पुट कर दूं, वाई की वैल्यू पुट कर दूं, तो ये कुछ एक्स वाई, मतलब अगर इसको हम लोग जब बाद में सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म का आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई, और उसके बाद यहाँ पे कुछ नंबर्स बचेंगे, ये जो सी वन आएगा ना, सी वन में यहाँ पे कुछ अपने पास एच और के आ जाएंगे, ऐसे यहाँ पे भी कुछ एच और के आ जाएंगे। उसके बाद अपने को क्या करना है, इसको भी जीरो पुट करते हैं हम लोग और इसको भी जीरो पुट करते हैं और वहां से एच और के की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा, दो इक्वेशन बनेंगे, उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एच और के की वैल्यू निकालते हैं, दोनों को जीरो पुट करेंगे और दोनों आपस में कोइंसाइड करते हैं। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक बार होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया तो हम लोग उसको y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करके, और इसमें हम लोग कैपिटल y इज इक्वल टू वी एक्स, फिर इसको सॉल्व करेंगे बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। यहां तक हो गया था सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उससे पहले हम लोग ने किया था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें क्या होता है, अपने पास ऑलरेडी कोई अपने को एक इक्वेशन दिया होगा, सपोज एक्स प्लस सी, ये अपने पास एक सॉल्यूशन है, या फिर वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी एक्स और कांस्टेंट का फंक्शन होगा, ये एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जितने कांस्टेंट हैं उसको एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो ये इतने टॉपिक अपने हो चुके थे, सबसे पहले ऑर्डर एंड डिग्री देखा था, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद लीनियर नॉन लीनियर क्या होता है, फिर उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर या वन ऑर्डर वन डिग्री के जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन। तो पहला मेथड देखा था वेरिएबल सेपरेबल, सेकेंड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां तक किसी को डाउट है, तो यहां तक अपना हो चुका है पूरा। हेलो, यहां तक किसी भी मेथड में किसी को कुछ डाउट है, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के वो भी हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। बाकी यहां तक का जो नोट्स था वो भी सेंड कर दिया, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स है वो भी सॉल्व कर दें। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो फिर वो फर्स्ट लाइन लेना है, मतलब वी को हम लोग ए एक्स वन प्लस जो भी रहता है ना वो लेते हैं, यही लेना है। जैसे हम लोग ये वाई इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं ना, उसमें इसी को वी लेना है। ठीक है, और किसी को डाउट? ठीक है, तो फिर आगे स्टार्ट करें हम लोग नेक्स्ट मेथड। तो इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कभी भी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, अगर वो वेरिएबल सेपरेबल से नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले उसको ट्राई करना कि वो एग्जैक्ट है या नहीं। अगर एग्जैक्ट नहीं होगा, उसके बाद चेक करना कि वो लीनियर है, नॉन लीनियर है, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस। तो सबसे पहला ध्यान जाना चाहिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, मान लो कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ये अपने पास एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इस फॉर्म का होगा, वेयर एम इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई और कॉन्स्टेंट, एन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई और अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, इस फॉर्म में अपने पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको एग्जैक्ट कब बोलेंगे, कि ये जो भी टर्म है, तो जो भी अपने को लिखा है
इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेरिवेटिव ऑफ सिंगल फंक्शन। अगर ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बन जाए, मतलब टोटल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख पाएंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये लिखना है x प्लस वाई, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डी एक्स प्लस डी वाई। तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे सिर्फ इतना दे दे, 1 into dx प्लस 1 into dy इज इक्वल टू 0, तो ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको बोलेंगे कि ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, समझ में आए। ऐसे ही अगर फॉर एग्जाम्पल मैं डी एक्स स्क्वायर वाई ये लिख लू, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2x, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे डी वाई आ जाएगा, फिर इसके बाद वाई को ऐसे ही रखेंगे तो ये अपने पास 2x इंटू डी एक्स, तो ये क्या आ जाएगा 2x। तो ये किसका डेरिवेटिव है, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो ये इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे कि इतना ही अगर मैं कर दूं तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इसका एक्चुअल मीनिंग होता है। ये क्लियर है सबको, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन। या फिर जैसे मैं डी एक्स वाई को कैसे लिख सकता हूँ, एक्स को ऐसे रखूंगा डी वाई, वाई को ऐसे रखूंगा डी एक्स। तो मान लो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ इतना दिया है तो ये भी कैसा है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, डी एक्स। समझ में, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं। जैसे ये पहली बात है, इसको हम लोग बाद में लिखते हैं, वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, अब अपने को ये चेक करना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो यही आएगा ना, वाई को एज इट इज रखेंगे, एक्स का क्या हो जाएगा डी एक्स, जब मैं एक्स को एज इट इज रखूंगा तो वाई का क्या होगा डी वाई। आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा अपने पास, अगर मैं ये बनाऊं तो ये अपने पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बट हर बार जरूरी नहीं है कि इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख पाए, तो इसके लिए अपने पास एक थ्योरम है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट कैसे चेक करना है। तो इस m को हम लोग क्या करते हैं, वाई के रिस्पेक्ट में, और इस n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ गया तो हम लोग बोलते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, एग्जैक्ट होगा। तो ये नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस। क्लियर है, तो जो इफ एंड ओनली कंडीशन होता है उसको एज अ डेफिनेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर है सबको, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आगे से एग्जैक्ट बोलना है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एम को विथ रिस्पेक्ट टू वाई और एन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और याद रखना है, एम को वाई के रिस्पेक्ट में करना है और n को x के रिस्पेक्ट में। अगर ये इक्वालिटी होल्ड होगा तब जाके बोलेंगे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। क्लियर है सबको ये। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, नहीं है, क्यों नहीं है, किसको किसको लगता नहीं है। एम क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर, तो एम वाई कितना आएगा जीरो, एन कितना अपने पास टू वाई, तो एन एक्स कितना आएगा जीरो, तो एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स। तो ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्लियर है सबको, और यही चेक करना। अब वो किसका डेरिवेटिव अपना हेडेक नहीं है, क्योंकि ये इन जनरल लिया हम लोग, बट ये कंडीशन होल्ड हो गया तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्लियर है सबको ये।
यह है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। है इसमें क्या करना है, इसको सिर्फ y के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये cos x ऐसे रहेगा, इसका क्या हो जाएगा sec स्क्वायर y। इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो ये ऐसे ही रहेगा, साइन का क्या हो जाएगा cos। तो मतलब ये वाला पार्ट तो इक्वल आ रहा है, cos x इंटू sec स्क्वायर y, यहाँ पे भी cos x इंटू sec स्क्वायर y। इसको जब हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos का क्या होगा साइन, साइन x प्लस वाई। और जब फिर से x का करेंगे, सॉरी y का करेंगे, तो 1 आएगा x का 0, मतलब यही आने वाला। ऐसे जब इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos का sin x plus y और y का 0 x का 1, तो यही आ रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर है सबको? तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करना है कि वो एग्जैक्ट है या नहीं, तो सबसे पहले उसको m dx plus n dy is equal to 0 पहले इस फॉर्म में लिखो। उस फॉर्म में लिखने के बाद एम वाई एन एक्स के इक्वल आना चाहिए। अगर दोनों इक्वल आ गए तो उसको बोलेंगे एग्जैक्ट, अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। अब अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, मान लेता हूं एम डी एक्स एन डी वाई, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन को कैसे लिखते हैं? पहला, सबसे पहले इस m को इंटीग्रेट करो x के रिस्पेक्ट में, n को इंटीग्रेट करो y के रिस्पेक्ट में, और यहां पे कांस्टेंट c आएगा। ऐसे ही m को विथ रिस्पेक्ट टू dx करो, n को विथ रिस्पेक्ट टू dy करो। बट इसमें कुछ और कंडीशन भी ऐड करते हैं कि जब m को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर, सॉरी इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहां पे y एज अ कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि हम लोग पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे किसको, एम को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और वाई को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रेड करेंगे। यहां पे क्या करना है, यहां पे भी विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है, बट इसमें ये क्या कहता है कि वाई एक्स को कॉन्स्टेंट मत ट्रेड करो, बल्कि एन का वही टर्म लो जिसमें एक्स हो ही ना, मतलब नॉट कंटेनिंग एक्स। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो अगर एन मेरा n, अगर कोई मेरा x और y है, मान लो n क्या है x इंटू वाई, तो ये टर्म में x प्रेजेंट है ना, तो इसको लेना ही नहीं है। मान लो x y प्लस x आ गया, तो यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, तो इसको लेना ही नहीं। अगर मान लो y आ गया, तो इसमें x है इसको कैंसिल कर दो, इसमें x है इसको कैंसिल कर दो, सिर्फ y को विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है। और यहाँ पे y को गायब नहीं करना है, बट y को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रेड करना है। अगर मान लो कभी कभी ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो उसको उल्टा कर सकते हैं हम लोग। क्या यहां पे क्या कर सकते हैं, नॉट कंटेनिंग वाई, कि इसमें एम में वाई का टर्म कंटेन नहीं करना चाहिए, और यहां पे एन में इसको, इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक्स को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रेड करेंगे। क्लियर है सबको? ये m को विथ रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट करना है और y को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रेड करना है। n को जब करेंगे तो जिसमें भी x टर्म प्रेजेंट है उसको जीरो मान लेंगे, बाकी जो बचेगा उसी को सिर्फ इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। अगर मान लो ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, कभी किसी क्वेश्चन में ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो हम लोग इसको भी ऐसे कर सकते हैं कि m में y का टर्म को हटा देंगे, सिर्फ x के टर्म को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और यहां पे n में x को एज अ कॉन्सेंट्रेट करेंगे। क्लियर है सबको ये?
एग्जैक्ट है ये। एग्जैक्ट है ही नहीं। हाँ तो अब इसको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना। तो सॉल्यूशन निकालते समय क्या करेंगे, m को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, n को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ पे कांस्टेंट। जब m को इंटीग्रेट करेंगे तो y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो दोनों में y प्रेजेंट है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, y को कॉमन ले लेता हूँ, फिर क्या बचेगा मेरे पास, 3x² + 1 बाय x विथ रिस्पेक्ट टू dx को इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे बताओ n में क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ मैं इसको। n के प्लेस पे 0 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि n का वही टर्म लेना है जिसमें x कंटेन ना हो। इसमें भी x कंटेन है, इसमें भी x कंटेन है, तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा, 0। मतलब y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट ही नहीं करना, अब सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, x के रिस्पेक्ट। तो y वैसे ही रहेगा, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x³/3, मतलब सिर्फ अपने पास x³ बचेगा, और 1/x का log x इज इक्वल टू c। तो ये आ गया x³y प्लस log x इंटू y इज इक्वल टू c, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है सबको ये, किसी को डाउट इसमें कुछ? हेलो, चलो इसका आंसर बताओ। पहले इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, पहले सबको विजिबल है, ये दिख रहा है सबको, sec x इंटू टेन एक्स इंटू टेन वाई माइनस ई रेस्ट टू एक्स, ये m है, और n के प्लेस पे sec x इंटू sec स्क्वायर वाई डी वाई। अगर एग्जैक्ट है तो इसको सॉल्यूशन कैलकुलेट करो। पहला क्वेश्चन एग्जैक्ट है या नहीं, जब भी इस फॉर्म में दिया हो ना, सबसे पहला ध्यान जाना चाहिए कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, क्योंकि कभी भी एग्जाम में ये नहीं लिखा होगा किससे करना है, ये अपने खुद आइडेंटिफाई करना है कि किस मेथड से होगा ये। एग्जैक्ट आ रहा है हाँ, तो कौन सा सॉल्यूशन होगा इसका? सबका एग्जैक्ट आ रहा है ना, पहले को वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स तो ऐसे रहेगा, टेन का सेक स्क्वायर वाई, और ई रेस्ट टू एक्स का 0, और जब इसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स और सेक स्क्वायर वाई वैसे ही रहेगा, तो इसका मतलब इक्वल आ गया। अब उसका सॉल्यूशन निकालना,
आया किसी का? बोलो जल्दी। नहीं, डी नहीं आएगा। रुको रुको, सेक एक्स इंटू टेन एक्स ना? हाँ, डी करेक्ट है, करेक्ट है। और किसी का आ रहा है? हाँ, सबका डी आंसर आ रहा है। बाकी लोग का भी डी आ रहा है, एक बार यस कर दो। हाँ, मैं हेलो, डी आंसर आ रहा है सबका, यस या नो? हेलो, डी आंसर आ रहा है सबका, यस या नो, जो भी है बोलो फटाफट। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। सेक स्क्वायर वन, वो पूरा टर्म ही नहीं लेना है, मतलब जिसमें भी सेक एक्स है उस टर्म को ही नहीं लेना है, मतलब जो भी। फोर्थ वाला आ रहा है सबका। देखो, ये टर्म तो पूरा जीरो हो जाएगा, इसमें जब हम लोग टेन वाई को बाहर लेंगे तो सिर्फ इंटीग्रेट किसका होगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स का। और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सिंपल, ये अपने पास सेक एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे जो ई रेस्ट टू एक्स है इसका ई रेस्ट टू एक्स होगा, राइट साइड में लेके आएंगे तो प्लस ई रेस्ट टू एक्स, और ये कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो सिंपल था डी ऑप्शन, इतना टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, ये है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से होगा ये। अच्छा, जो अब तक हम लोग ने जो भी मेथड पढ़ा है वो किसी भी मेथड से हो सकता है, ये वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस या एग्जैक्ट, किसी मेथड से होगा ये। हम लोग ने चार मेथड पढ़ा है ना, वेरिएबल सेपरेबल, अभी एग्जैक्ट पढ़े, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, तो चारों में से किसी भी मेथड से होने वाला ही है। वेरिएबल तो इसमें से होगा नहीं सेपरेट। सेकेंड क्या है, नॉन होमोजीनियस के फॉर्म का भी नहीं है, होमोजीनियस भी नहीं है क्योंकि वाई स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ वन है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं आ रहा है, ये जीरो हो जाएगा टू वाई, और यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस वन आ रहा है, मतलब ये एग्जैक्ट भी नहीं। तो इसका मतलब कोई और मेथड है जिसका यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे।
हाँ ये इसकी वैल्यू बताओ कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो अल्फा और बीटा की ऐसी क्या वैल्यू रखेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाया जा सकता है? बोलो क्या आएगा आंसर इसका। अल्फा एक्स वाई क्यूब प्लस वाई कॉस एक्स, ये एम है, और एन क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस बीटा साइन एक्स, ये एम और ये एन। अगर ये एग्जैक्ट है तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी? बोलो। डी डी अच्छा बी ना, सबका यही आ रहा है, अल्फा इज इक्वल 2/3 और बीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा ये बताओ ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, सिर्फ इतना बताओ, बाकी अगर है तो इसका सॉल्यूशन बाद में करना। अरे इतना जल्दी पता चला। हाँ ये लोग बुक का ही उठा के सीधा डाल देते हैं, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है पता है, ये कोई भी अगर बुक उठाओगे ना, कोई भी लोकल बुक, उस लोकल बुक में ये एग्जाम्पल मिलेगा, कोई भी लोकल बुक उठाओ, जो बीएससी का बुक आता है ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें भी देखोगे ना तो ये क्वेश्चन मिलेगा होमवर्क में। तो 1+e^x एग्जैक्ट में ही रहता है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका, बहुत लोगों को सॉल्यूशन भी, जो प्रैक्टिस करते हैं बीएससी उनको उसका सॉल्यूशन भी याद हो गया होगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको वाई के रिस्पेक्ट में करना तो ये 0 आ जाएगा, और ये e^xy वैसे ही रहेगा, और जब इसको फिर से करेंगे तो -x/y2, तो ऐसे यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक्स वाई पहले से ही है और यहाँ से भी एक वाई आ जाएगा, तो -x/y2 और ये e^xy वैसे, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन थे जो कि एग्जैक्टनेस से है, तो यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में? तो जब भी एम डी एक्स एन डी वाई के फॉर्म में होगा तो सबसे पहले चेक कर लो एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर छोड़ दो, फिर मतलब किसी और मेथड से होगा। तो किसी को भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई डाउट नहीं है? अब जैसे मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दिया है, ठीक है, और ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, तो इस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मतलब किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाया जा सकता है तो उस फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो फैक्टर है जिससे मल्टीप्लाई करने पे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बना सकते हैं। क्लियर है सबको? तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म के डिफरेंशियल इक्वेशन है जिनका हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। तो टोटल 4 रूल याद रखना है, ज्यादा नहीं, बाकी बहुत सारे तो स्टैंडर्ड भी है, तो 4 रूल पे ही आते हैं, चाहे आईआईटी जैम हो चाहे सेट हो, सेट में तो एक ही बार पूछा है, उसके बाहर कभी नहीं आएगा। तो रूल नंबर 1, तो सबसे पहले ये याद रखना 1/m, देखो यहां पे 1/m मतलब जो भी m रहेगा, अगर यहां पे m लिख रहे तो यहां पे क्या करेंगे, n लिखेंगे, और n को किसके रिस्पेक्ट में हमेशा करते हैं, x के रिस्पेक्ट में, माइनस m को किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में, और जब भी यहां पे m लेंगे ना तो यहां पे किसका फंक्शन आएगा, y का। अगर ये सिर्फ y का फंक्शन आ रहा है या कांस्टेंट आ रहा है, अगर ये करने पे सपोज या तो सिर्फ y में आना चाहिए या तो कांस्टेंट आना चाहिए, तो देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इज इक्वल टू e^2 hy dy। तो
जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है सबसे पहले ये फाइंड आउट करो अगर वो सिर्फ वाई का फंक्शन है या फिर कोई कांस्टेंट आ रहा है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ एच ऑफ वाई, या फिर जैसे वन अपॉन एम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ऐसे सेकेंड रूल में हम लोग क्या कर सकते हैं, वन अपॉन एन, और जब भी यहाँ पे एन लेंगे तो यहाँ पे एम को विथ रेस्पेक्ट टू वाई करना है माइनस एन को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे एन है तो यहाँ पे किसका फंक्शन आना चाहिए, सपोज कुछ एक्स का फंक्शन आएगा, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा अपने पास, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर है सबको? तो ये दो रूल याद रखना है, ऐसे नहीं भी याद रहेगा तो पहले याद रखो एक बार वन अपॉन एम है और एक बार वन अपॉन एन है, जब भी एम होगा तो कुछ वाई का फंक्शन आएगा और एन रहेगा तो एक्स, यहाँ पे एम है तो यहाँ पे एन लिखो और एम, और एन को हमेशा किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, एक्स, और एम को वाई के रिस्पेक्ट में, ऐसे यहाँ पे एन है तो यहाँ पे वाई, एम एम को वाई के रिस्पेक्ट में माइनस एन को एक्स के रिस्पेक्ट में, ये एम हमेशा वाई का फंक्शन, एन हमेशा एक्स का फंक्शन। अगर मान लो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जैसे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज